जिला कारागार में बंदियों के द्वारा मिनी ग्रीन हाउस बनाया गया है, जिसके संबंध में जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने बताया कि जेल पर ग्रीन हाउस बनाया गया है, जो कि बंदियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि जेल में जो पौधा लगाया जाता था वह टेम्परेचर के डाउन होने की वजह से नष्ट हो जाता था, जिसको देखते हुए ग्रीन हाउस बनाया गया है। इससे पौधों की नर्सरी तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा और विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि कार्य करवाया जा सकेगा। उन्होंने बताया ग्रीन हाउस में फूल गोभी व बंद गोभी की नर्सरी लगाया गया है, जिसके बाद अन्य सब्जियों का पौधा लगाया जाएगा, जो कि जेल के बंदियों द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा ने कहा, ग्रीन हाउस बनाया गया है जेल में, जेल के फार्म पर जो पौध लगाई जाती थी, जो उसमें टेम्परेचर के अप डाउन होने से पौध नष्ट हो जाती थी, काफ़ी जल्दी खराब हो जाती थी, तो उसमें मिनी ग्रीन हाउस बनाया गया है यहाँ, और उससे नर्सरी तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा, जिससे कृषि कार्य में काफ़ी तेजी आएगी और विपरीत परिस्थितियों में भी कृषि कार्य कराया जा सकेगा। तो ये प्रदेश का पहला ग्रीन हाउस है या इससे पहले भी कहीं जेल में? जेल में ये पहला ग्रीन हाउस बना है। किस तरह से पौधे लगाए? उसमें अभी तो फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी डाली गई, आगे और भी नर्सरी डाली जाएगी। इससे सर आगे खेती करनी आसान? हाँ, खेती करनी है बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पौध तैयार करना ही थोड़ा मुश्किल होता है। क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होता रहता है, जिससे सॉफ्ट पौध के पौध नष्ट होने की संभावना लगातार बनी रहती है, इससे उससे बचा जा सके। सब कुछ कैदियों के द्वारा ही किया जा रहा है, सारा कार्य कैदियों के द्वारा किया जा रहा है, उनको ट्रेंड किया जा रहा है।